हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में डेली लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। डेली लाइफ से जुड़ी ये 5 गलतियाँ कर देती है आपकी स्किन खराब। आजकल सभी लड़के लड़कियाँ अपने स्किन, शरीर और पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही केयरिंग हो रहे हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन साफ, बेदाग और ग्लोइंग हो, और कई बार तो हम मेकअप के तमाम विज्ञापनों से प्रभावित होकर या फिर दूसरों के कहने पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं जो हमारे स्किन को फायदे की जगह नुकसान पहुँचाते हैं। आज हम आपको चेहरे से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हम अक्सर अनजाने में कर देते हैं। चेहरे को बार बार छूना। हम में से ही कई लोग अपनी स्किन को बार बार छूते रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर कई लोग शीशे के आगे खड़े होकर अपने पिंपल्स में हाथ लगाकर उन्हें फोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। याद रखें कि बार बार स्किन को छूने से स्किन पर कीटाणु और गंदगी बढ़ती है, और ये कीटाणु कई बार चेहरे पर धब्बों या फिर नए पिंपल के होने का कारण भी बनते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स का स्किन से संपर्क। यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे चेहरे की स्किन शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा बहुत ही संवेदनशील होती है। कई बार हेयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, कंडीशनर या फिर जेल हमारे बालों के अलावा भी शरीर के अन्य किसी हिस्से या चेहरे पर गिर जाते हैं और हम इसका ध्यान नहीं दे पाते, जिसका नुकसान हमारे चेहरे को उठाना पड़ता है, क्योंकि हेयर केयर प्रोडक्ट्स में केमिकल की मात्रा बहुत अधिक होती है। साबुन का इस्तेमाल। साबुन में कई केमिकल मौजूद होते हैं जो हमारे चेहरे की स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं। याद रखें कि साबुन शरीर के अन्य अंगों की सफाई के लिए बनाए गए हैं, इनसे चेहरे की सफाई करने की भूल ना करें। बता दें कि साधारण केमिकल वाले साबुन का पीएच लेवल 9 से 11 के बीच में होता है, जबकि पीएच का ये लेवल चेहरे के लिए हानिकारक है। साबुन का चेहरे पर प्रयोग करने से आपकी स्किन रुखी हो सकती है। गलत प्रोडक्ट्स का चुनाव। ध्यान रखें कि सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए नहीं बने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स एक खास उम्र के अनुसार बनाए जाते हैं। हमारे स्किन की जरूरतें भी उम्र के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए स्किन और खासकर चेहरे के स्किन से जुड़े प्रोडक्ट चुनते वक्त अपनी स्किन टाइप और उम्र को भी जरूर ध्यान में रखें, और वही ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाएं जो आपकी स्किन के लिए बेहतर हो। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से। इस बात पर आप शायद ही विश्वास करें, लेकिन कई बार आपके चेहरे की समस्या का जिम्मेदार आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है। जी हाँ, हम अपने मोबाइल का दिन भर इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे फोन में कई तरह की बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो जाती है, और जब हम मोबाइल स्क्रीन या फिर बैक कवर छूते हैं और उसी हाथ से चेहरा छूते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे स्किन तक पहुँच जाते हैं और स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोते समय या फिर बार बार मोबाइल फोन छूने की गलती ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।